अमेरिका के ओहायो में इथेनॉल लेकर जा रही एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके फौरन बाद तीन टैंकर्स में धमाके होने लगे। हादसा ओहायो की राजधानी कोलंबस में बुधवार की सुबह हुआ। इथेनॉल जलने की वजह से बढ़ते खतरे को देखकर आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। इस हादसे में करीब 30,000 गैलन इथेनॉल बर्बाद हो गया है। आग इतनी भीषण थी और धुआं इतना ज्यादा उठा कि आसपास के इलाकों को खाली करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें देख के आपको समझ आएगा कि कैसे टैंकर जब उल्टे फिर आग से कितना नुकसान हुआ।